चारों तरफ से पहाड़ों में घिरे हुए शहर कोहाट का शुमार खैबर पख्तूनख्वा के कदीम और तारीखी इजला में होता है। एक रिवायत के मुताबिक इस शहर को 400 साल कबल मसीह में राजा कोहाट ने आबाद किया और ये शहर उसी के नाम से मंसूब है। मोहल्ले वकू के एतबार से इंतहाई अहमियत के हामिल कोहाट शहर की कदीम इमारतों में कोहाट कला, 1897 में तामीर शुदा रेलवे स्टेशन, 1872 में तामीर किया गया दुरानी शहजादे जमहूर का मकबरा काबिले जिक्र है। ताहम ये मकबरा अब मुतलिका महकमों की गफलत के बायस तबाहाली का शिकार है। इसके अलावा अंदरूने शहर में वाकई कदीम फन तामीर का शाहकार चंद इमारतें भी अपनी असल हालत में अब तक मौजूद हैं। कोहाट शहर के वस्त में मशहूर सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह अल मारूफ हजरत हाजी बहादुर रहमतुल्ला अलैह का मजार वाकई है, जहाँ रोजाना सैकड़ों अकीदतमंद और अहले तसव्वुफ रूहानी सुकून के हुसूल के लिए हाजिरी देने आते हैं, जहाँ गुरबा और मसाकीन के लिए बाकायदगी से लंगर का एहतमाम किया जाता है। हजरत हाजी बहादुर 1581 में आगरा में पैदा हुए और बादशाह औरंगजेब के दौर में कोहाट आकर आबाद हो गए, जहां उन्होंने रूहानियत और तसव्वुफ के साथ साथ दीन की तबलीग का बीड़ा भी अपने सर उठाया। उनके हाथ से तहरीर करदा कुरान पाक का नुस्खा आज भी मजार के अहाते में महफूज है। कोहाट ने अदब के मैदान में भी अपना लोहा बैनुल अक्वामी सतह पर मनवाया और दुनियाए अदब को अहमद फराज, अयूब साबर और एम आर कयानी जैसे बड़े नाम दिए। बोना बाबा और जंगल खेल चश्मा जात का शफाफ और ठंडा पानी भी सदियों से गर्मी के सताए लोगों को राहत और ठंडक बख्श रहा है और उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। पहाड़ों के दरमियान वाके तांदा डैम और उसके गिर्द मीलों पर मुहित कुदरती हसीन मनासिर सयाहों को अपने हुस्न के शहर में जकड़ने का काम बखूबी कर रहे हैं और मामूलाते जिंदगी से सताए हुए शहरी सुकून की चंद घड़ियों की खातिर यहां का रुख करते हैं। तारीखी कोतल पहाड़ी की चोटी पर वाके तकरीबन 7 किलोमीटर तवील अल्लाहू हाइकिंग ट्रेल भी मकामी और दूर दराज से आए सयाहों की तवज्जो का मरकज है, क्योंकि यहाँ से शहर का दिल फरेब नजारा सयाहों का दिल मोह लेने के लिए काफी है, जबकि बुलंदी की वजह से चलने वाली ठंडी हवाएं इस मकाम की सहर अंगेजी को मजीद 4 चांद लगा देती हैं। कोहाट की सदियों पुरानी रिवायती कोहाटी चप्पल भी दुनिया भर में अपनी इनफरादियत आज तक कायम रखे हुए है। खालिस चमड़े का इस्तेमाल करके हाथ से बनाई गई ये रिवायती चप्पल पूरी दुनिया में फरमाइश पर और तोहफे के तौर पर अजीजों और दोस्तों को भेजी जाती है। कोहाट के इलाके बिलीटंग में पट्टों की सबसे बड़ी मंडी भी वाकई है, जहाँ पर हुनरमंद हाथ की मदद से पट्टों से झाड़ू, चटाई, टोकरियाँ और दीगर सामान बनाते हैं, जो मुल्क भर में सप्लाई किया जाता है। कोहाट के मीठे और खुशबूदार अमरूद के बागात मीलों पर फैले हुए हैं और यहाँ पैदा होने वाला अमरूद मुल्क भर में कोहाट की पहचान है।